नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांगे 100 वेंटिलेटर, ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का भी आग्रह। बिहार में अब अनुमंडल स्तर पर भी बनेंगे आइसोलेशन सेंटर। राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ऑफिस खोलने के दिए आदेश, सोशल डिस्टेंसिंग का होगा पालन। बिहार बोर्ड में कॉपी जांच का काम 97% पूरा, 20 मई के बाद आएंगे मैट्रिक परीक्षा के नतीजे। फुल हो गई रेलवे की बुकिंग, बिहार आने के लिए 18 मई तक टिकट उपलब्ध नहीं। बासी बिरयानी को लेकर प्रवासी मजदूरों ने छपरा स्टेशन पर किया हंगामा, आरपीएफ और डीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। बुजुर्गों के लिए राशन की होम डिलीवरी करेगी राज्य सरकार, सितंबर तक आधार से जुड़ेगा राशन कार्ड। बीएमपी के 8 और जवान संक्रमित, पुलिस फोर्स की होने लगी कमी, होमगार्ड के सहारे कंटेनमेंट जोन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को नसीहत, कहा प्रवासियों के लिए मेवा भेजे। राबड़ी देवी ने कहा सरकार हाथ खड़े करे, हम खिलाएंगे गरीबों को मेवा। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बोले मेरा अर्जुन आ गया। वहीं तेजस्वी की घर वापसी पर बीजेपी ने कसा तंज। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री ने की आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा, कुल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। लॉकडाउन 4 का ऐलान कर मोदी बोले नए नियम होंगे। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर मंडराते देखे गए चीन के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, भारतीय वायुसेना के विमानों ने की निगहबानी। अफगानिस्तान के अस्पताल में आतंकी हमला, 5 की मौत। वायरल हुआ गिलगित बल्तिस्तान का ट्विटर हैंडल, फॉलो करने की होड़। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दिया झटका, व्यापार समझौते पर फिर बातचीत से किया इनकार। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई तक 96 ट्रेनें बिहार आई हैं, इसके बाद भी और प्रवासी मजदूर बिहार आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार आना चाह रहे हैं, उन्हें 7 से 8 दिन के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि राज्य के लिए कम से कम 100 वेंटिलेटर की आपूर्ति की जाए। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, इसे ध्यान में रखते हुए पहले से जितनी टेस्टिंग कराई जा रही थी उसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। अभी एक दिन में 1800 सैंपलिंग की जा रही है, जिसे बढ़ाकर हम 10,000 करना चाहते हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया है कि प्रवासी बिहारियों की बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए सरकार ने जिले के साथ ही अनुमंडल स्तर पर भी आइसोलेशन की व्यवस्था करने की मंजूरी ली जाएगी। इससे अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों में कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। बिहार सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के कार्यालयों एवं कोषांगों को खोलने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ग क के सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। वर्ग एवं संविदा कर्मी के 33% कर्मचारी रोजाना दफ्तर आएंगे। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के प्रशाखाओं एवं कोषांगों में पदस्थापित कर्मियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, संविदा कर्मी, कार्यालय परिचारिका के संबंध में सक्षम पदाधिकारी द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। बिहार में मैट्रिक परीक्षार्थियों का रिजल्ट को लेकर इंतजार अब खत्म होने वाला है। सूत्रों की माने तो दोबारा 6 मई से शुरू हुई कॉपियों का मूल्यांकन अंतिम चरण में है और 97% कॉपियों का मूल्यांकन का काम अब तक पूरा हो चुका है। ऐसे में बोर्ड पूरी तरह तैयार है कि 20 से 25 मई के बीच रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बुकिंग शुरू होने के चंद समय में ही बिहार आने के लिए सारी टिकटों की बुकिंग हो गई है। IRCTC के मुताबिक बीते शाम 6 बजे से बुकिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके कुछ देर में ही सभी टिकट बुक हो गए, लेकिन अब वेबसाइट पर बुकिंग नहीं हो रही है। 18 मई यानी कि 1 सप्ताह तक के लिए सभी टिकटों की बुकिंग हो गई है। प्रवासी मजदूरों ने बासे बिरयानी परोसने को लेकर छपरा जंक्शन पर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, उन्होंने लगभग 1200 पैकेट बिरयानी को स्टेशन परिसर में फेंक दिया, जिसके कारण वहां हर जगह बिरयानी ही बिरयानी नजर आ रही थी। मजदूरों ने रेलवे के ठेकेदार की ओर से परोसे गए भोजन को बासी और घटिया बताया। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह RPF और GRPF के जवानों ने मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे मामले पर छपरा रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर संजय शर्मा ने कहा है कि भोजन की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है, हालांकि प्रारंभिक जांच में खाना सही पाया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला तब सामने आया जब अमृतसर से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी जा रही थी। कोरोना महामारी के बीच गरीबों को राशन दिए जाने की योजना पर राज्य सरकार लगातार नए फैसले ले रही है।
सरकार अब बुजुर्गों को राशन की होम डिलीवरी करने की तैयारी में है। 70 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को अनाज की होम डिलीवरी की जाएगी। राज्य के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि अधिक उम्र वाले लाभार्थियों को लॉकडाउन पीरियड में आ रही परेशानी को देखते हुए सरकार इस दिशा में जल्द ही कार्य योजना बना रही है। वही राशन कार्ड को आधार से जोड़े जाने के मामले में इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीएमपी में संक्रमण का असर पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। पटना पुलिस लाइन के एक साथ बीएमपी के 350 जवानों को संदिग्ध मानकर वापस कर दिया गया है। ऐसे में अब फोर्स की भी भारी कमी हो गई है। शहर में कई अहम ड्यूटी प्रभावित होने लगी है। संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फोर्स की कमी के कारण समस्या आनी शुरू हो गई है। थाने के फोर्स के साथ होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी अहम स्थानों पर लगानी पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को नसीहत दी है कि जो लोग केवल सूखा भात दिए जाने को झूठ फैला रहे हैं, उन्हें सिर्फ फूल माला नहीं सूखे मेवे के पैकेट भेंट कर प्रवासी का स्वागत करना चाहिए। माल मिट्टी और बेमानी संपत्ति का शतांश भी प्रवासियों के काम आ जाए तो लालू परिवार के राजनीतिक पाप कटेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि अगर सरकार सार्वजनिक रूप से हाथ खड़े कर कुछ दिन अवकाश प्राप्त कर ले तो हम सरकार का सारा काम जिम्मेवारी पूर्वक निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार हाथ खड़े करे, हम गरीबों को मेवा खिलाएंगे। अगर सरकार को विपक्ष का ऑफर मंजूर है तो बताए। राबड़ी देवी ने सुशील मोदी के गरीबों को मेवा खिलाने की बात के जवाब में यह बयान जारी किया है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव विशेष अनुमति लेकर दिल्ली से पटना लौटे हैं। तेज प्रताप यादव ने जोश भरे अंदाज में कहा है कि मेरा अर्जुन आ गया है और अब मैं मेरा अर्जुन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इधर बीजेपी नेता और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि खतरे में कुर्सी जानकर तेजस्वी वापस बिहार आए हैं। बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसी घबराहट और कुर्सी बचाए रखने की चिंता ने तेजस्वी यादव को वापस आने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच चौथी बार राष्ट्र के नाम संबोधन में मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर रही है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से अलग कुछ दिनों तक चरण दर चरण तरीके से पैकेज का विस्तृत ब्यौरा देश के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 करोड़ का यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज देश की कुल जीडीपी का करीब 10% है। पीएम ने लॉकडाउन के चौथे चरण का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन नए नियमों वाला होगा। लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के दौरान चीनी सेना ने हेलीकॉप्टर्स वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी करीब मंडराने लगे थे। खबरों की माने तो ये देखकर भारतीय वायुसेना ने भी अपने लड़ाकू विमान उस तरफ भेजे। हालांकि भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने उन खबरों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जेट्स ने चीनी हेलीकॉप्टर को खदेड़ा। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक इंडियन फाइटर जेट्स ने अपनी सीमा में उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन यह एक ट्रेनिंग का हिस्सा था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक प्रसूति अस्पताल में अज्ञात आतंकी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और ग्रेनेड फेंके। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। मारे गए लोगों में 3 महिलाएं, 1 बच्चा और 1 अफगान सुरक्षा बल के सदस्य शामिल हैं। हमले के समय 140 लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। आतंकी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि काबुल के अस्पताल पर हमले में 3 हमलावर शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हमलावरों में से 1 मारा गया है, जबकि बाकियों से खबर लिए जाने पर मुठभेड़ जारी है। ट्विटर पर गिलगित बलिस्तान का एक हैंडल लॉन्च हुआ है जिससे फॉलो करने की होड़ मच गई है। यूं तो इस हैंडल के आधिकारिक होने का दावा किया गया है, लेकिन इसमें अभी ब्लू टिक नहीं लगा है और यह अकाउंट अब तक वेरीफाइड नहीं है। हालांकि इस अकाउंट का पता लगाने की लोगों में इस हैंडल को फॉलो करने की होड़ मच गई है। गिलगित बलिस्तान पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत सरकार पाकिस्तान से बार बार इस इलाके के पीछे हटने की अपील कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे एक दिन पहले अमेरिका ने बीजिंग को व्यापार युद्ध खत्म करने के लिए इस साल की शुरुआत में हुए समझौते पर सम्मान नहीं करने पर बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट न्यूज को जानने का। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 830 हुई। 23 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव। आईपीएस अफसर का बॉडीगार्ड भी पॉजिटिव पाया गया।
बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 830 हो गई है। मंगलवार को 81 नए मामले मिले, सोमवार को 53 और रविवार को 79 पॉजिटिव केस मिले थे। 23 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, इसमें एक आईपीएस ऑफिसर का बॉडीगार्ड भी शामिल है। 81 नए मामले मरीजों की संख्या पहचान बेगूसराय, दरभंगा, सुपौल, खगड़िया, बांका, सारण, पटना, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, गोपालगंज, भागलपुर और सिवान जिले में की गई है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 70,756। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3604 नए मामले सामने आए हैं और 87 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 70,756 हो गई है, जिसमें 46,800 सक्रिय हैं, 22,455 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 2,293 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब वक्त हो चला है क्वेश्चन आवर का। सवाल पूछने से पहले मैं कल के व्यूअर्स का नाम लेना चाहूंगी। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर मनीष कुमार व प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। और आज का प्रश्न है, अफगानिस्तान के किस शहर में प्रसूति अस्पताल में आतंकी हमला हुआ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।